आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास आपके लिए। गेस करें ये कौन सी क्रीम्स हैं जो आप सब यूज़ करते हैं, और मैं इसको कहती हूँ पाकिस्तान की नेशनल क्रीम। कोई भी स्किन का इशू है, छोटा सा दाना है, कोई रैश है, कोई इन्फेक्शन है, पूछें पेशेंट से हम क्या लगाया है, तो ये क्रीम लगाई है। कुछ हो गया था, ये क्रीम हमें सजेस्ट की थी फ्रेंड ने, ये क्रीम हमें सजेस्ट की थी फार्मासिस्ट ने, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आप गेस कर सकते हैं उस क्रीम का नाम? जी, उस क्रीम का नाम है बेटनोवेट एंड डर्मोवेट। क्रीम्स बुरी नहीं हैं, चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि मुझे मजबूरन इस टॉपिक को डिस्कस करना पड़ रहा है। मेरा GSK से, इस कंपनी से कोई पर्सनल क्लैश नहीं है। मेडिसिन का नेम यूज़ करने का सिर्फ ये पर्पज़ है क्योंकि हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो इसको बाय नेम जानती है, इन क्रीम। जी, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और क्यों, किन कंडीशंस के लिए ये बनी हैं। बेटनोवेट या डर्मोवेट, ये दोनों पोटेंट स्टेरॉइड्स हैं, पोटेंट टॉपिकल स्टेरॉइड्स, यानी कि क्रीम फॉर्म में हैं, आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसी भी किस्म का अगर आपको एक्जीमा का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, उन कंडीशंस के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये जो पोटेंट चूँकि स्टेरॉइड्स हैं, इनको हम फेस के ऊपर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। आप इसको बाकी बॉडी पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने हैंड्स के ऊपर, फीट के ऊपर, लेग्स या आर्म्स के ऊपर। तीसरी चीज़, बच्चों के फेस के ऊपर आप बिल्कुल, बच्चों के बल्कि पूरी बॉडी पे आप यूज़ नहीं कर सकते। यूजुअली लोग इसको नैपी रैश के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि बच्चों के लिए ये जो दवाई है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, यानी कि हाई पोटेंसी की है। डर्मेटोलॉजिस्ट को या हमें कैसे पता चलता है कि आप ये क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो आप भी खुद भी नोट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके चेहरे पे मिस यूज़ करने की वजह से इस क्रीम के चेहरे पर बाल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपके वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है जिसे हम स्किन एट्रोफी कहते हैं, कि स्किन आपकी थिन हो जाती है, स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है टूवर्ड्स लाइट, यानी कि सनलाइट भी हो सकती है, हीट की वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो ब्लड वेसल्स हैं फेस के ऊपर वो विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम टेलेंजिक्टेजियास कहते हैं। तो इनको डिस्कस करने का क्या मकसद है, अब मैं वो आपको बताती हूँ। हम रूटीन में, मेरे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट कोलीग्स भी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं जो इन क्रीमों को मिसयूज़ करके आते हैं। किन कंडीशंस के अंदर लोग ज़्यादातर क्या समझते हैं कि ये क्रीमें इन्फेक्शन को ठीक करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक्ने का ट्रीटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। वाइटनिंग का ट्रीटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस में लोग यूज़ करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। बच्चों में नैपी रैश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है, बच्चों के अंदर कशिंग वाइट फेस हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम, यानी कि इसका जो है वो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इस हार्मोन के जो अदर सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। स्किन के साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन सिस्टेमिक आना शुरू हो जाते हैं। और बहुत बहुत कॉमन जो इसका यूजेज है वो है एक्नी, जिसे हम एज पिंपल्स कहते हैं, जिसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, आपके रेड कलर के दाने या पस वाले दाने फेस पे बनते हैं, जो एज रिलेटेड चेंजेस या हॉर्मोन्स की वजह से आपको होता है प्रॉब्लम, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये क्रीम्स एक्नी में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते आप किसी भी कंडीशन में, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई डॉक्टर किसी कोई कंडीशन आपको देखते हुए सजेस्ट ना करे, राइट? टॉपिकल और फेस पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो का टेक होम मैसेज क्या है कि ये क्रीम्स बुरी नहीं हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल बुरा है। क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट इंडिकेशंस में, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर हम प्रॉपर इंडिकेशंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और अगर आप गलत इंडिकेशन में रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप एंड अप करेंगे डिफरेंट स्किन इश्यूज़ के साथ, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ। इश्यूज़ आपके जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर आप उसे टाइमली और करेक्टली ट्रीट करें तो।